हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे और लाइव प्रोसेस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो यू नो अबाउट मी, मैं आपका साइंस एजुकेटर हूँ जो कि 9th क्लास एंड 10th क्लास को पढ़ा रही हूँ। बट यू आर वॉचिंग मी ऑन क्लास अपार्ट चैनल जो कि अन अकेडमी बिलोंग करता है। क्लास अपार्ट चैनल जो कि आपको 5 PM पे डेली हमारा वीडियो दिखता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ओल्ड हैं पहले से मेरी वीडियो देख रखी है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। सो आज हम करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट जो कि है रेस्पिरेशन। क्लास 10 का हम फर्स्ट पार्ट कर चुकी हैं न्यूट्रिशन, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो आज हमने करना है रेस्पिरेशन। तो क्या होता है रेस्पिरेशन, हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत हम इसको डीपली करेंगे बट फन वे से करेंगे कि आपको इजीली समझ आ जाए। उससे पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो आपको पता ही है अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग ऐप, इस टाइम पे नंबर 1 पे है लर्निंग ऐप। बट अनअकैडमी के फायदे क्या क्या हैं आपको? एक तो आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आप अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टडी मटेरियल या आपको जो भी रिक्वायर्ड है आप उस टाइम पे नहीं देख सकते। बट अगर आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको उस पे 2 टाइप के कोर्सेज दिखेंगे। एक तो स्पेशल कोर्सेज है, एक प्लस कोर्सेज है। स्पेशल कोर्सेज में क्या रहेगा, आपको लाइव स्पेशल कोर्सेज मिलेंगे, लाइव उसके ऊपर लेक्चर्स दिखेंगे जो कि आप अपने फेवरेट टीचर से या किसी से भी लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके ऊपर आपको पेमेंट नहीं करना है। बट आप अगर प्लस कोर्सेज लेते हैं, प्लस कोर्सेज के फायदा क्या है, प्लस कोर्सेज में जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं आपको एक इंटरेक्शन रहेगा। लाइक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बट आपको उस टाइम पे कोई डाउट है तो आप उस टाइम पे डाउट मुझसे नहीं पूछ सकते या टीचर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो प्लस कोर्सेज में आपको ये फायदा रहेगा, आप अपने घर बैठे ऑफलाइन कोचिंग का एक बहुत, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में किसी के कोचिंग सेंटर पे जाते हैं वहां स्टडी करते हैं, इसमें आपको वैसा ही फील होगा। बट आपको ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, रेफिल कोड मेरा यूज करते हैं MASE, तो आपको क्या मिलेगा, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। MASE माई रेफरी कोड है जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। आप बताओ, देखो 10% ऑफ आपको कैसे मिलेगा। उससे पहले मैं आपको फीचर्स बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको जो स्क्रीन पे सब दिख रहे हैं, लाइव टेस्ट होंगे, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, ये जितने भी सब्सक्रिप्शन फीचर हैं वो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे, वो आपको स्पेशल क्लासेस में नहीं मिलेंगे। सेकेंड, जो मैंने आपको बोला कि आप मेरे रेफिल कोड यूज कर सकते हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या होगा, देखो यहाँ पे आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, मैक्सिमम 48 मंथ्स का आप परचेज कर सकते हैं। बट आप देखो अगर 3 मंथ का देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे 7500 रुपीज पे करने होंगे। बट अगर आप मेरा रेफिल कोड यूज करते हैं प्रोसीड टू पे के टाइम पे MASE, देन यू विल गेट 10% ऑफ इमीडिएटली। यहाँ पे आपको 7500 पे करना है, यहाँ आपको कितने पे करने हैं, 6750 रुपीज हो गए, 6750 रुपीज आपको पे करने हैं। तो देखो कितना डिफरेंस हो गया। तो अगर आपके फोन में लर्नर ऐप नहीं है तो लर्नर ऐप डाउनलोड कर ले, प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले एंड मेरा कोड रेफर जरूर करना, ठीक है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, अभी हम आते हैं अपने चैप्टर पे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पे। और एक छोटा सा और भी इंट्रोडक्शन रह गया डाउट्स का। लाइक अब आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, आपको क्या करना है, डाउट अनअकैडमी ने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म पे डाउट सॉल्विंग का किया है। आपको करना क्या है, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है, डाउट है या कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप से पिक्चर क्लिक करनी है, उसको आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देना है कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कौन सा है, देन आपने अपना डाउट पूछ लेना है। आपको क्या होगा, सारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको विद इन 24 आवर्स उस डाउट की सोल्ड वीडियो मिलेगी, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स उसके ऊपर आपको उसका जो आंसर है इतना इजी वे में, इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप उसको मतलब आंसर जानना चाहते हो वो आपको आंसर मिलेगा।
और इसमें एक कंडीशन है कि आपको ओनली वन टाइम पे वन डाउट ही टिक डालनी है, ऐसा नहीं कि 10 या 15 पार्ट है आपको एक साथ डाल दें, नहीं। तो ये अन अकेडमी के सारे फायदे ही फायदे हैं, आपको नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लो आप अपने फोन में। देखो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? मैंने आपको न्यूट्रिशन में बोला था कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हमारा होता है न्यूट्रिशन, खाना खाना। खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व होता है। अब वो फूड हमारी बॉडी में चला गया, अब उसको क्या करना है, उस फूड को हमारी बॉडी को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज होगा? हमारे स्टमक के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, क्योंकि जो भी हमारा फूड था वो सब क्या हो गया था, सिंपलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। ग्लूकोज किसके अंदर है, स्टमक में है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी ने यूज करना है। एंड वन थिंग, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम लिविंग के लिए कर रहे हैं, लिविंग में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो हम मीन्स ओनली ह्यूमन बींग्स नहीं आएंगे, हम टोटली प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ही बात करेंगे। तो हम, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, कि लाइक ग्लूकोज हो गया या प्लांट्स का अपना फूड हो गया, उस फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी यूज करना इज नोन एज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बींग्स यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। मोस्टली रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ये चीज मान लेते हैं कि सांस लेना रेस्पिरेशन है। नो, सांस लेना इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट थिंग। सांस लेना इज ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं, कि हम ब्रीथ इन कर रही हैं, ब्रीथ आउट कर रही है, रिलेटेड है रेस्पिरेशन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से, बट रेस्पिरेशन जो है वो सांस लेना नहीं है, ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं है। रिलेटेड कैसे है, देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती कहां से है, जो भी हमारा फूड होता है, फूड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाता है। इसलिए हमारे को कई बार ऐसा, मतलब अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप रेस्पिरेशन को सांस लेना इंक्लूड करते हैं, नहीं, ये रिलेटेड जरूर है, बट रेस्पिरेशन ये पूरी की पूरी प्रोसेस है कि फूड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और क्या कर दिया, एनर्जी। या आप अपने माइंड में ये चीज भी याद रख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज इक्वल टू द एनर्जी, कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि एनर्जी लेना। अब क्या है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसकी अनदर डेफिनेशन, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। कैसे, हमने कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोला, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स थे पहले, वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर जाके वो एनर्जी बना रही है। और ऑक्सीडेशन मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन मीन्स जब भी किसी के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसे बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन की टू डेफिनेशन होंगी, फर्स्ट डेफिनेशन ये होगी कि एनर्जी मिलना या एनर्जी रिलीज करना, सेकेंड कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हो आप। तो ये हमारा था जस्ट रेस्पिरेशन की एनर्जी लेना। अब देखो टू टाइप की रेस्पिरेशन होती है, कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है, टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अलग से बताती हूँ एरोबिक एंड एनारोबिक, फिर हम डेफिनेशन करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी हमें दोनों में ही मिलेगी, बट अगर हम देखें AER का मीनिंग है कि एयर की प्रेजेंस में जो होती है, जो एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस रेस्पिरेशन हो रही है, दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक मतलब ना आ गया, नहीं, मतलब नहीं है, तो एयर की एब्सेंस में अगर हो रही है, ठीक है, एना मींस नहीं है कि एयर वहां पे नहीं है, तो जो एयर की प्रेजेंस में हो रही है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जो एनारोबिक मींस एयर की एब्सेंस में हो रही है, वहां पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। अब एयर का मीनिंग क्या है, एयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो एयर का मीनिंग है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। एंड जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, मींस वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, हम उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन क्या है,
टू टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, pyruvic acid is converted into carbon dioxide, energy released and water molecule is also formed and the process, ye hum abhi reaction karenge jisse aapko ye bahut acche se clear hone wala hai। anaerobic respiration ki hum definition dekh lete hain, this type of respiration happens in the absence of oxygen, theek hai। ab dekho main aapko aur cheez batati hu, agar hum aerobic respiration ke liye ek reaction likhte hain तो हमें ये लिखना होगा C6H12O6। मैं आपको सिर्फ रफली एक बार बता रही हूँ, नेक्स्ट हम फाइनली भी देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है। C6H12O6 इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी रेस्पिरेशन हो रही है, दिस वन इज ग्लूकोज, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड के अंदर। पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड क्या होता है, मीन्स ये जो कार्बन है ना, कार्बन सिक्स, ये दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। लाइक हमारे पास कार्बन यहाँ पे सिक्स है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन हमारे पास सिक्स है, तो इसका सबका हाफ ऑफ कर दो, कार्बन यहाँ पे थ्री कर दो, हाइड्रोजन यहाँ पे सिक्स कर दो, ऑक्सीजन यहाँ पे थ्री कर दो, मीन्स ये क्या बन गए, दो टुकड़ों में टूट गए। जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन को मैंने तोड़ दिया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा, टोटल टू पार्ट हो जाएंगे। वैसे ही ग्लूकोज क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जो ये इसके टू पार्ट बने, तो इसके वन पार्ट को C3H6O3 को पाइरुविक एसिड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये लिख दो 2C3H6O3, ठीक है, ये आपने लिख दिया। देन अब इसकी जब ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, हमने किसी भी चीज को क्या करना है, इसमें सिंपलर करना है, मीन्स तोड़ना ही है, चाहे हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, चाहे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लाइक ये पेन है, पहले उसके क्या कर दिया हमने, टू पार्ट कर दिए, दो पार्ट होने के बाद इस पार्ट को मैंने अलग जला दिया, इस पार्ट को मैंने अलग जला दिया, ठीक है, या इन दोनों को मैंने कंबाइन करके, जो उनको इकट्ठा करके एक करके जला दिया। वैसे ही इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट में CO2 मिला, प्लस में हमें वाटर मिली, प्लस में हमें क्या मिला, एनर्जी, जो कि किस फॉर्म के अंदर होगी, ATP की फॉर्म में होगी, और एनर्जी की हमें 36 से 38 मॉलिक्यूल मिलते हैं। वन ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमें कितने पार्ट मिलते हैं, 38 पार्टिकल्स ATP के मिलते हैं, एडनोसिन थायोफॉस्फेट जो है ATP की फुल फॉर्म है, मैं अभी आपको बता दूंगी। तो है क्या एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या है, अब ये देखो जितनी भी रिएक्शन हुई है ये किसकी प्रेजेंस के अंदर हुई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है। सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ये जो वन पार्टिकल ऑफ ग्लूकोज था वो टू पार्टिकल्स ऑफ पाइरुविक एसिड के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, फिर पाइरुविक एसिड क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और क्या बना दिया, CO2 प्लस में वाटर प्लस में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो आपको अब अपने माइंड में कुछ ऐसा नहीं है क्रैम करना है, कुछ स्क्रीन पे नहीं देखना, अपने माइंड को जस्ट आइज क्लोज करो और ऐसे लर्न करो कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, पहले ग्लूकोज को तोड़ दिया हमने, उसको पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको तोड़ दिया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, प्लस में 38 ATP एनर्जी हो गई, बट ये सारी की सारी प्रोसेस O2 की प्रेजेंस में हो रही है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि O2 नहीं होगी, O2 होगी तभी ये रिएक्शन होगी, O2 ही ये सारा का सारा काम कर रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने करना है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, नहीं तो हम अपने ग्राफ में देखते हैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा वहां से, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, सबसे पहले क्या है, अभी आपको मैंने बहुत सिंपल वे में कराया था ये चीज, मैंने आपको कोई भी प्रोसेस नहीं बताई कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही, क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी के सेल में होती है। अब आपको ये याद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लर्न करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। यू नो अबाउट साइटोप्लाज्म की सेल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दिस लिक्विड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज पाइरुवेट के अंदर, आप पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हो, पाइरुवेट भी बोल सकते हो, पाइरुवेट भी उसका नेम होता है, कोई डिफरेंट बात नहीं है। पाइरुवेट क्या है, 2 ATP है, या फिर आप इसको 2 पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है।
साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। कहां पे हो रही है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीज बहुत जरूरी है लर्न करनी, आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के अंदर आता है, वाइवा में पूछा जाता है कि ग्लूकोज जो है वो पाइरिक एसिड के अंदर जो होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस एंड कहां पे हो रही है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। और ग्लूकोज क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, मींस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे क्या था? C6H12O6 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? C3H6O3 के अंदर हो गया, जो कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। अब हम एक बारी आप इस वाले पार्ट को छोड़ दो, लेफ्ट पार्ट को छोड़ दो, हम इस पे आते हैं क्योंकि हमने क्या करना है अभी, एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है। अब पाइरूवेट रेस्पिरेशन कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। एरोबिक वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन आ कहां से रही है? जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं वो वाली ऑक्सीजन है। ये प्रोसेस कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, अगर आपने 9th क्लास में किया होगा सेल के स्ट्रक्चर किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हमारा एक्सर्नेटर बोलते हैं, कि जितनी भी एनर्जी सेव होती है वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जैसे हमारे घर का एक एरिया, लाइक हमारा डाइनिंग एरिया होता है, हमारा लिविंग एरिया होता है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर जितनी भी हमारी एनर्जी है वो सेल के एक पार्ट के अंदर सेव होती है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, जिसमें कि ये पाइरिक एसिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 वाटर प्लस में 36 to 38 ATP के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर है ये? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्व साइकिल बोलते हैं, कर्व साइकिल के नाम से आता है। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन 2 या 3 years पहले ही क्वेश्चन भी आया था, मैंने जहां तक क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें ये आया था कि आप प्लीज एक्सप्लेन कर्व साइकिल, प्लीज एक्सप्लेन कर्व साइकिल। तो आपको कहीं रेस्पिरेशन का नाम नहीं है, कहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम नहीं है। जस्ट आपको डायरेक्ट आपसे ये पूछा गया कि एक्सप्लेन कर्व साइकिल। तो जिस बच्चे ने ये चीज नहीं पढ़ी है उसको चाहे ये सारा का सारा टिप्स पे रटा हुआ है, तो ये बोलेगा मैंने तो कर्व साइकिल इस चैप्टर में कहीं पे देखा ही नहीं कि था कहां पे। तो क्रैम में ही करना है, कर्व साइकिल के नाम से आता है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस भी आता है, एंड ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहां पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी सेव हो रही है। तो ये सारा का सारा जो था हमारा वो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन था, जो कि क्या बना रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एनर्जी बना रहा है, ATP बना रहा है। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। सेम है, यहां तक ग्लाइकोलिसिस हुई, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। बट अब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो मींस इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये वाले जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। प्लांट्स में डिफरेंट होती है, एनिमल्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर एनिमल्स में होती है मींस अगर हम यहाँ पे एनारोबिक की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करें तो वी आल्सो इंक्लूडिंग एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, प्लांट्स में होती है तो इथेनॉल प्लस में CO2 बनता है। ठीक है, ये आपको दो चीजें लर्न करनी है, और इसमें एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी हमें हर एक रेस्पिरेशन में मिलती है, इसमें हमें ATP की फॉर्म में मिलती है, इसमें हमें ADP की फॉर्म में मिलती है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल एनर्जी ही मिलती है। लेस एनर्जी मिलती है, ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती है। ATP हमारे पास नेम था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एनारोबिक में कुछ डिफरेंट नहीं है, बस यही है कि ये साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोडक्ट दोनों में चेंज हो गए, लैक्टिक एसिड एनिमल्स में बन रहा है, प्लांट्स में इथेनॉल प्लस में CO2 बन रहा है। अब आपको कुछ भी थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया, तो बाकी सब तो फॉर्मेलिटीज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको यही करना है, ग्राफ अच्छे से, इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप कुछ कर रहे हो ना, या तो आप लिख के देखो, नहीं तो अपने आईज क्लोज करके, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस से पाइरूविक एसिड बन रहा है, पाइरूविक एसिड से फिर उसके बाद कर्व साइकिल हो रहा है, कर्व साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और CO2H2O हो रही है। ऐसे करके लर्न करो, आईज क्लोज करके, और वैसे मैं ऐसे बोल के कर रही हूँ ना, आईज क्लोज करके, अपने मुंह को बिल्कुल बंद करके अगर आप किसी चीज को लर्न करते हो ना,
कभी करके देखना कुछ भी, आपको जो चीज यहाँ बैठ जाएगी ना वो लाइफ टाइम याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली क्या ब्रेन में लिखी जाती है, दिमाग में वो अच्छे से टाइप हो जाती है। ठीक है, तो बोल बोल के करने की बजाय इसको एक बार समझ के उसके बाद अपने आप को अंदर से रिवाइज करो, नहीं तो आप उसको लिख के देखो। एनारोबिक में क्या होता है, पहले तो ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर उस पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, मींस वहां पे उसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो एनिमल्स के अंदर तो लैक्टिक एसिड बन जाता है और प्लांट्स के अंदर इथेनॉल बन जाती है। इसको इजी वे में लर्न करना है तो आप ये भी लर्न कर सकते हो कि अल्कोहल, लोग पीते हैं अल्कोहल, वाइन पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वो किससे बनती है, प्लांट्स बोले तो लाइक ग्रेप जूस से, एप्पल जूस से, गुड़, ये सब तो ये किसमें आते हैं, प्लांट्स में होते हैं, उसकी क्या करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो क्या बनता है इथेनॉल बनती है, प्लस में क्या बनता है CO2 और 2 ADP एनर्जी मिलती है। ये हमारा था सारा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैं आपको सारा थ्योरेटिकल वे में भी बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन कर ली, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको ये पोर्शन भी समझ आ जाएगा क्योंकि हमने वो कर लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी साइट है जहां पे रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी कहां पे सेव होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATP की फॉर्म में सेव होती है। ATP is stored in mitochondria and is released as per need. जितनी जरूरत होती है उतना ATP रिलीज होता है। अब मैं आपको अगर टीच कर रही हूँ तो मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मेरी ATP उतनी ज्यादा रिलीज हो रही है। मैं डांस कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, तो जितना हम काम करते हैं उसी हिसाब से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए हम कुछ अगर हार्ड वर्क कर लेते तो हमें एकदम से भूख लग जाती है क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाती है। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या हुआ है। अभी हमने किया था वर्बली किया था कि ऐसे ऐसे होगा, अभी हम उसको क्या कर रहे हैं रिटन फॉर्म में, हम थ्योरेटिकल फॉर्म में कर रहे हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, सबसे पहला स्टेप यही है कि क्या हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ है। दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूविक एसिड। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ 6 कार्बन एटम व्हाइल पाइरूविक एसिड इज कंपोज ऑफ 3 कार्बन एटम। अब आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि C6H12O6 होता है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ग्लाइकोलिसिस हुई है, क्या बन गया C3H3O3 बन गया। ये हमारा ग्लूकोज था, ये हमारा पाइरूविक एसिड था, पाइरूविक एसिड को पाइरूवेट भी बोल सकते हैं, बहुत सिंपल है, हो गया। फेट ऑफ पाइरूविक एसिड, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाइरूविक एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट प्रोसेस कहां हुई थी, साइटोप्लाज्म में, सेकंड कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड द मॉलिक्यूल फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये तो बोल दिया कि पाइरूविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होगा, बट डिपेंड करता है कि वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि टू टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। पाइरूविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर प्रेजेंस में होगा तो क्या मिलेगा, CO2, वाटर, ATP। अगर एब्सेंस में होगा तो इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, CO2 मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि पाइरूविक एसिड किस कंडीशन में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। जब भी कभी रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी नहीं, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या करना होगा, ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी। और जो CO2 उसमें रिलीज होती है वो क्या होता है, ब्रीथ आउट हो जाती है, सेल से बाहर चली जाती है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इन साइड द सेल, दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। मीन्स सेल के अंदर ही सारी की सारी प्रोसेस हो रही है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैंने आपको अभी भी बता दिया, तो अभी मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से हो गया होगा। एरोबिक एनारोबिक डन है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से भी हो गया होगा। अगर हो गया है तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बता दीजिए कि हाँ मैम ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट
हमने क्या करना है, टाइप्स हमने अभी की है जस्ट। हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है पार्ट वो ये है, पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग। ये भी एरोबिक और एनारोबिक से ही रिलेटेड है। बहुत ज्यादा हम दौड़ रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक आप वन डे जिम गए हो, फर्स्ट डे आपका, आने के बाद आपको क्रैम्प्स होगा, बहुत टांगों में दर्द होगा, हमसे उठा ही नहीं जाएगा, या पैरों में दर्द होते हैं, हम कहीं ज्यादा वॉक कर लें, ज्यादा डांस वांस कर लें, तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए हम उससे ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही रही है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, बट अगर हम उससे भी ज्यादा एनर्जी, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कौन सी यूज हो जाएगी रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। मीन्स ऑक्सीजन हमें, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब हमें कभी भी आप दौड़ लगा रहे हो, स्टेयर्स चढ़ रहे हो, तो हमारा सांस फूलने लगता है, किस लिए? क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। पर हम इतना वर्कआउट करते हैं कि जितनी अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए उससे भी ज्यादा हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा। देखो अभी हमने किया कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो हमने स्पोर्ट्स क्या करा, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, हमारी लेग्स में क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन करता है, दर्द होता है हमारे लेग्स में। तो वेन समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस throbbing pain in the leg muscles. This happens because of anaerobic respiration take place in the muscles. During running, the energy demand from the muscle cell increases. This is compensated by anaerobic respiration and lactic acid is formed in the process. The deposition of lactic acid causes pain in the leg muscles. The pain subsides after taking rest for some time and taking hot bath. ठीक है, क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा। बट रेस्ट से भी अच्छा है गरम गरम पानी लो, हॉट वाटर लो, हॉट वाटर के अंदर अपनी लेग्स रख दो, फुट रख दो, क्या होगा उससे, लैक्टिक एसिड जो अकोमुलेट हुआ है, जो बना है, वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि हमारी मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जो ये लैक्टिक एसिड बना हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि कमर में दर्द हो रहा है तो मूव लगाते हैं, या फिर कोई हमने फास्ट रिलीफ लगा ली, उसके बाद हम फैन भी बंद कर देते हैं, लगा के कुछ ना कुछ कपड़ा गर्म डाल लेते हैं जिससे कि हम बहुत हीट मिलती है, तो उसका क्या प्रोसेस है, यही है कि उसमें कहने की लैक्टिक एसिड बन गया है, फिर वो जब उसको गर्मैश मिलती है, हीट मिलती है, तो हीट से क्या होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो फिर उसको क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड बना हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जो पेन हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ो ये आपकी बेसिक नॉलेज भी है। आपके बाद कभी भी कहीं मैरिज से आए हो, कभी आप वैष्णो देवी गए, कहीं चढ़ाई करके आए हो, टांगों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, गर्म पानी, गर्म पानी मीन्स ये नहीं कि आप उबलता उबलता पानी ले लो वो फिर अपने पैर जला बैठो, नहीं, नॉर्मल पानी, नॉर्मल गुनगुना पानी लो और उसमें थोड़ा सा अगर आप नमक डाल देती हैं तो आपको और भी इजीली रिलीफ होगा। तो उसमें अपने पैर रख लो, फुट रख दो, लेग्स रख लो, हाथ भी रख सकते हो, हाथ पाओ, हाथ बाजू में दर्द है तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा, बहुत मजा आएगा रखने में, ठीक है। तो ये हमारा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब तो हमने कर लिया कि ये देखो, ये भी आपको एक ग्राफ के थ्रू बता रखा है कि ये ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ये आपके पास स्क्रीन पे है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ये आपको बता दिया सारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये सब हमने कर लिया। हमने टाइप्स तो कर लिए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमने करना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। देखो हम सबसे पहले करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी क्या करते हैं, देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड तो बनाते हैं, अब उस फूड को वो तो यूटिलाइज करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए मींस उनको भी क्या चाहिए, अपने ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, बट वो ऑक्सीजन लेते कहां से हैं, उनके पास कोई नाक तो है नहीं हमारी तरह, हम जैसे ब्रीथ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेशली कोई ब्रीथिंग ऑर्गन नहीं है,
they carry outer cellular respiration. Plants get oxygen by diffusion. Diffusion occurs in the roots, stems and leaves of the plant. प्लांट के जो है ना ईच एंड एवरी पार्ट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनकी लीव्स अलग से करती हैं, डिफ्यूज करती हैं, ऑटो अंदर जाती है, सीओ टू बाहर आती है, उनकी रूट्स करती हैं, मींस उनका स्पेशलिस्ट कोई, जैसे हम तो सिर्फ नोज से ही ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, रूट से भी ले सकते हैं, प्लांट स्टेम से भी ले सकते हैं, प्लांट्स कहां से लेते हैं, लीव से भी ले सकते हैं. होगा क्या, आगे क्या प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस होगी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कौन सी हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, बट हम जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर रहे हैं अब ये पढ़ेंगे वो होगा कैसे, बनेगा कैसे, मींस वो O2 को लेगा कैसे. तो हम सबसे पहले देखते हैं रूट्स का, कि जो भी प्लांट्स है, आप कभी भी अगर प्लांट को ऐसे निकाल के देखोगे रूट क्या होगा, रूट हेयर्स होंगी. वो रूट हेयर्स क्या करती है, ऑक्सीजन को लेती है सॉइल में, अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करती है, और ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाती है, प्लांट्स तक, पूरे के पूरे, या जहां पे भी ये मतलब रूट्स ने अपनी ऑक्सीजन ले ली, यहाँ पे उनके पास फूड है अपना, तो क्या करती है, ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन करती, यहाँ फूड है यहाँ पे क्या करती है, रेस्पिरेशन करती. ये सॉइल पार्टिकल है, ये एयर स्पेसिस है, ये रूट हेयर है, रूट हेयर मेनली क्या करती है, ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन को लेती है सॉइल से. तो ये काम था रूट का, कि रूट कहां से लेती है, रूट हेयर के थ्रू. अब पता चल गया कि रूट के ऊपर वैसे जड़े उसके बाल टाइप क्यों होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं वो उसके रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, कि वो सोयल से क्या कर सके, ऑक्सीजन ले सके. नेक्स्ट हम देखते हैं एक चीज और, कि वो गैसेस का एक्सचेंज तो करते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं ना वो डे के टाइम तो ऑक्सीजन देते हैं और सीओ टू ले लेते हैं, बट नाइट के टाइम जो है वो डिफरेंट होता है, O2 लेती है CO2 देती है. इसलिए बोलते हैं पीपल का पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज करता है, इसलिए बोलते हैं कि रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं बैठना चाहिए, इसलिए कि वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है. ओके, नेक्स्ट स्टेम्स पे ऐसा क्या होता है जिससे कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं. स्टेम्स में लेंटी सेल्स होते हैं, ये आपको नेम याद होना चाहिए, लाइक रूट पे रूट हेयर्स होते हैं. जो स्टेम होते हैं आपने कभी देखा होगा उसी उस पे इस टाइप के निशान होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, टीनी होल्स. ये हम अपनी नेक डाइस से भी देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स पे, सब प्लांट्स पे नहीं देख सकते, बार्क होता है, बट कुछ प्लांट्स पे दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं लैंटी सेल्स. और ये लैंटी सेल्स क्या करते हैं, हेल्प ऑक्सीजन लेने में, हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सीओ टू देते हैं, मीन्स इनके ब्रीथ ब्रीथ करते हैं. हमारा जो ब्रीथिंग है वो सिर्फ हम कहां से कर सकते हैं, नोज से कर सकते हैं, बट ये स्टेम से करते हैं. स्टेम मींस स्टेम पे ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से वो ब्रीथ करते हैं, तो लैंटी सेल से करते हैं. ठीक है, रूट पे रूट हेयर थे, स्टेम पे लैंटी सेल्स है. नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, और लीव्स का रह गया हमारा. लीव्स पे क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया था फोटोसिंथेसिस में, लीव्स पे टिनी पोर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम अपनी नेक आईज से नहीं देख सकते. स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो क्या करते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं, O2 को लेती हैं, CO2 रिलीज करती हैं. स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं. ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट में रूट क्या करती है, रूट हेयर के थ्रू लेती है, और जो स्टेम है वो कैसे करती है, लैंटी सेल्स के थ्रू करती है, और जो लीव्स है वो क्या करती है, स्टोमेटा के थ्रू. ये थ्री पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं बस. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. अब आपको करना किस किस में है, रेस्पिरेशन इन एमीबा करना है, रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म करना है, रेस्पिरेशन इन फिश करना है, और रेस्पिरेशन इन हमें ह्यूमन बींग्स भी करना है, बट वो मैं आपको आज नहीं कराऊंगी, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. अब इसमें आपको क्या करना है, अब हमें ये तो पता है कि ये कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है. अब ये O2 कहां से लेता है, हमें सिर्फ इनके ऑर्गन्स लर्न करने हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स होते हैं, वो अपने लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं. तो अमीबा क्या करता है, अमीबा का भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, अमीबा की स्ट्रक्चर आप सबको पता है, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर है, इसके पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है. बट ये कैसे करता है, इसके पास जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे जो इसकी आउटर लेयर है, दिस इज सेल, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी आउटर लेयर है जिसे मैं डार्क कर रही हूं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू अमीबा
एंड CO2 डिफ्यूज आउट. मीन्स इसकी जो स्किन है, बाहर वाला जो लेयर है, उसी के थ्रू ही, उसमें ही सम पोर्स प्रेजेंट है. लाइक स्टोमेटा की बात करते हैं, वैसे ही इसके सेल मेम्ब्रेन ही क्या है, इस टाइप की है, जिसके की वो क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है. तो आपको क्या लर्न करना है कि रेस्पिरेशन इन अमीबा किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. नेक्स्ट हम करते हैं अर्थवर्म. अर्थवर्म आप सबने देखा होगा, जिसके अगर गार्डन है या आप कहीं पे भी खेत वगैरह फार्म हाउस जाते हैं, आपको इस टाइप के कीड़े दिखाई देते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं उसको. तो अब हाथ लगा के वैसे देखा नहीं जाता, पर कभी उसको ध्यान से देखना, उसकी जो स्किन होती है ना, वो बहुत मॉइस्ट होती है, गिली गिली सी दिखाई देती है हमेशा. तो अर्थवर्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्किन. इसका भी कुछ नोज ऐसा कुछ पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता, ये अपनी स्किन इस टाइप की इनकी स्किन के ऊपर स्ट्रक्चर्स बनी होती है. ये स्किन जो होती है इनकी, वो मॉइस्ट होती है, ऑलवेज मॉइस्ट रहती है इनकी. तो ये जो हमारे पास क्या है, इनमें प्रोसेस तो डिफ्यूजन ही होता है, बट अर्थवर्म कहां से करता है, कहां से ऑक्सीजन को लेता है, कहां से लेता है, अपनी स्किन के थ्रू लेता है. स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है. तो आपको यही लर्न करना है कि अर्थवर्म क्या करता है, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है. रेस्पिरेशन ही ऑक्सीजन लेता है, मींस रेस्पिरेशन के लिए इनके जो पार्ट है वो क्या है, स्किन है. नेक्स्ट एंड लास्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन इन फिश. फिश तो आप सबने देखी है, हमारे घर में भी हम लोग कई बार एक्वेरियम में देखो तो हमने रखी होती है फिश. तो आप उसमें देखना इस टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर बनी होती है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं. ये गिल्स के थ्रू क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है. बट ये तो पानी में रहती है, पानी में ऑक्सीजन कहां से होगी, एयर में तो ऑक्सीजन होती है. तो ये ऑक्सीजन कहां से लेती है, वॉटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, फिश लेती है. इनके लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिससे ये ऑक्सीजन लेती है, दीज आर गिल्स. होता क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वॉटर एंड मोस्ट फिशेज एक्सचेंज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वॉटर बाय मीन्स ऑफ द गिल्स. जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, गिल्स क्या करते हैं, उनके जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 को एक्सचेंज कर देते हैं. वाटर टेकन इन कंटिन्यूअसली थ्रू द माउथ पासिस बैकवर्ड बिटवीन द गिल्स बार एंड ओवर द गिल्स फिलामेंट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. वो पीती भी है पानी, वहां से भी होता है, वो भी अंदर जाके ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और जो गिल्स के थ्रू होती है वो ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, ठीक है. तो आज हमने सारा क्या किया, मैं आपको अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ. हमने किया है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन. रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने क्या की, हमारे पास क्या होती है, टू टाइप की रेस्पिरेशन है. फर्स्ट वन इज एनारोबिक एंड सेकंड वन इज एरोबिक. एरोबिक एयर की प्रेजेंस में होगी, एनारोबिक एयर की एब्सेंस में होगी. एरोबिक के अंदर हमारे पास एटीपी बनता है, CO2 बनता है, प्लस में क्या बनता है, H2O. एनारोबिक के अंदर हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड और हमारे पास बनता है इथेनॉल. टू टाइप की रेस्पिरेशन होगी. देन हमने किया कि हमारे पास जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में स्टेम्स के थ्रू होती है, लेंटी सेल्स होती हैं, लीव्स के थ्रू होती है, स्टोमेटा होती है, रूट के थ्रू होती है, रूट हेयर होते हैं. एंड हमने क्या किया नेक्स्ट की, हमारे पास हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स किया, अमीबा के अंदर सेलुलर होती है, सेल मेम्ब्रेन ही करती है. उसके बाद हमने अर्थवर्म में किया, जिसकी क्या करती है, स्किन करती है, जो कि मॉइस्ट स्किन होती है. ना हमने लास्ट किया फिश, फिश में क्या होती है, गिल्स होती है. ये आज हमने सारा किया है, जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट भी बता दिया है. अब मुझे कमेंट सेशन में बता देना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, शेयर तो चलो हमें नहीं पता चलता, बट आपके लाइक्स जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं. अच्छा लगता है जब लाइक करते हैं कि स्टूडेंट की हमें और भी अच्छा पढ़ाना चाहिए, हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं, बट आपके लाइक्स जो है वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है. अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट. बाय बाय. नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. हमारा जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स रह गया है, मीन्स हमारा ह्यूमन बींग्स रह गया, हम उसमें मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.